जो तुअर पिकाते हैं वो किसानों को आज बहुत बड़ी आज वो लोगों को इफेक्ट हो रहा है। एक एक एकड़ को एक आधा क्विंटल भी नहीं आने की नौबत आई है। ये अगर फाइनेंशियली क्रॉप अगर हो गया तो टोटल आज गुलबर्ग के किसान आज आत्महत्या करने की नौबत आई है। किसानों का कर्जा माफ नहीं करती और किसानों की मदद करने सरकार आगे नहीं आती। आज किसानों को फसल नहीं आ रही है, ये 2 साल हुआ, उसके लिए आज हम सरकार से अपील करते हैं। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, यूनाइटेड हॉस्पिटल, KBN यूनिवर्सिटी, शाहिन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, फाइन आर्ट डिजाइनर्स, चुलबुल फर्नीचर एंड लाइटिंग, स्पार्कल्स इंटरनेशनल स्कूल, SR कॉन्टिनेंटल होटल, M डेलीज, प्रीमियम केक्स एंड डेजर्ट्स। वो किस वजह से बारिश ज़्यादा होके, साइक्लोन होके, जो लोग किसान जो हमारे गुलबर्गा जिले में जो यहाँ पे तोगरी नाडू बोलते हैं, आज वो लोगों को आज एक एकड़ को एक आधा कुंटल भी नहीं आने की नौबत आई है। वो इस वजह से कि जो आज ये साइक्लोन होने दो या बारिश ज़्यादा होने से आज किसानों को फसल नहीं आ रही है, ये 2 साल हुआ, उसके लिए आज हम सरकार से एक अपील करते हैं, उनसे एक गुजारिश करते हैं, आने वाले दिनों में आप लोग किसानों को अगर मदद करेंगे, किसानों का अगर हाथ पकड़ेंगे तो आप लोगों का जो इलेक्शन में जो आप बहुत बड़े बड़े घोषणा दिए हैं वो घोषणा बच जाता है। उसके लिए आज पूरे गुलबर्गा जिले के किसान घर से बेघर हो गए, क्योंकि फसल मेन क्या है, गुलबर्गा जिले की मेन फसल तुअर है। आज तुअर ही लॉस होने के बाद ये फाइनेंशियली क्रॉप है, ये अगर फाइनेंशियली क्रॉप अगर हो गया तो टोटल आज गुलबर्गा के किसान आज आत्महत्या करने की नौबत आई है। सालाना किसान गुलबर्गा में होने दो या पूरे इंडिया में करीब 1 लाख के ऊपर किसान आत्महत्या कर रहा है, फिर भी आज सरकार जाग नहीं रही है। वो सिर्फ सरमायादारों को हेल्प करना चाहती है, सरमायादारों को उनका हाथ पकड़ना चाहती है, इंडस्ट्रियल वालों का उनका कर्जा माफ़ करती है, किसानों का कर्जा माफ़ नहीं करती और किसानों की मदद करने सरकार आगे नहीं आती। उसके लिए कर्नाटक की सरकार, केंद्र की सरकार से हम अपील करते हैं, किसान लोग जहाँ यहाँ पे गुलबर्गा जिले में जो तुअर है, जो लॉस हुआ है साइक्लोन इफेक्ट से हुआ है, उसके लिए प्रति एकड़ पर एकड़ 15,000 रुपये मुआवजा देना और देके आने वाले दिनों में ये सरकार, ये किस वजह से हो रहा, क्या ये साइक्लोन के वजह से हो रहा या इसमें जो मिट्टी का खराब है, ये सरकार का काम है, ये सब टेस्ट करके किसानों को एक मार्गदर्शन देना। बोलते हैं सरकार किसान के लिए हम सरकार है, किसान के फायदे के लिए सरकार है, डबल मुनाफा का कमाइए बोल के सरकार बोलते थे, लेकिन डबल नहीं है, सिंगल भी नहीं है। जो आने वाला था वो कि किसानों का जो तुअर का फसल वो पूरा लॉस हुआ है, उसके लिए हम सरकार से विनती करते हैं, आने वाले दिनों में ये किसानों का आप लोग मदद करें, आप लोग उनका हाथ पकड़े, आने वाले दिनों में जो आप बोले थे उस घोषणा को बचा लिए। हम आज पूरे गुलबर्गा जिले के तुअर फसल के जो है लोग हैं, किसान हैं, आप लोगों से विनती करते हैं। करीब मेरा जानता है करीब 2 से 3 हजार हेक्टर, हेक्टर नहीं, 2 से 3 हजार हेक्टर पूरा गुलबर्गा जिले में, उसमें सबसे ज्यादा चीतापुर तालुका, चिंचोली तालुका और गुलबर्गा ग्रामीण आधा पूरा लॉस हुआ है। कर्नाटक गवर्नमेंट से दावा किया जा रहा है कि जो लॉस हुआ है बारिश आके वो आके तो उनको परिहार दिया 35-40% दिया है, 60% लोगों को किसानों को नहीं दिया। सरकार बोलती है कि हम 100% दिए, ये गलत बात है। और हम लोग जो इंश्योरेंस बंधे वो इंश्योरेंस 15 डेज होने के बाद जो इंश्योरेंस वाले हैं वहाँ पे आके GPS करना चाहिए, लेकिन सरकार अभी तक नहीं है, सिर्फ सरकार झूठे आश्वासन देती है। लास्ट हमारा जी एक एकड़ को 15,000 मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि हमारे एक एकड़ को 5 से 6 थैला ये क्रॉप का ये आउटपुट होता था, तो एक हिसाब से 6,000 बोल तो 30,000 पकड़ लिए हम एक एकड़ को, हम आधा पकड़े हैं, उसके लिए 15,000 एक एकड़ को देने की हम सरकार को अपील कर रहे हैं। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, यूनाइटेड हॉस्पिटल, KBN यूनिवर्सिटी, शाहिन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, फाइन आर्ट डिजाइनर्स, चुलबुल फर्नीचर एंड लाइटिंग, स्पार्कल्स इंटरनेशनल स्कूल, SR कॉन्टिनेंटल होटल, M डेलीज, प्रीमियम केक्स एंड डेजर्ट्स।